तो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी दिगंध पाठ्य पुस्तक 12वीं कक्षा के पाठ संख्या 13 शिक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को फटाफट रैपिड फास्ट रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ऑप्शन आपके पास रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। और आपका सही आंसर है शिक्षा। ठीक है, आपका सही आंसर है शिक्षा, जो कि कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था, तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। सही आंसर है आपका बी, यानी कि इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। सही आंसर बताएंगे तो सही आंसर है आपका 10 वर्ष। जब उनकी माँ की मृत्यु हुई थी मात्र वो 10 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है, एकांकी है। सही ऑप्शन आपने चुना, संभाषण, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा कहाँ नहीं हो सकती। जहां स्वतंत्रता हो, जहां भय हो, जहां अनुशासनहीनता हो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको मिलेगा बी, जहां भय हो। भय अगर होगा तो वहां पे मेधा नहीं रहेगी। ठीक है, मेधा जो है भय से अलग है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है। लेखक के अनुसार से जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करना, जीवन को समझना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जीवन को समझना, जो है परीक्षा में उत्तीर्ण करने से ज्यादा कठिन काम है। लेखक के अनुसार से सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। लेखक के अनुसार से सच्ची शिक्षा हमें रोजगार, प्रसिद्धि, व्यापकता, इनमें से कोई नहीं। व्यापकता देती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। स्वतंत्र, अनुशासित, दायित्वपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। बचपन में हमें स्वतंत्र वातावरण में रहने की जरूरत है। जिंदगी का अर्थ क्या है। ऑप्शन है धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना, सत्य प्राप्त करना। सही आंसर है जिंदगी का सही अर्थ है सत्य की खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। मानव के विचारों को, उनके संबंधों को तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर सकता है। उत्साह, नाराजगी, खुशी, भय। और इन्होंने भय पे ही जोड़ दिया है। भय सबसे खराब चीज है। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या है आपका भय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है नाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसका कृति है। मलयज की, मोहन राकेश की, जय कृष्णमूर्ति की, अब्दुल कलाम आजाद की। सही आंसर है जय कृष्णमूर्ति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साम्यवादी किससे लड़ रहा है। समाजवादी से, पूंजीपति से, सत्तावादी से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका पूंजीपति से लड़ रहा है साम्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। इनका 12 मई 1895 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनका पूरा नाम क्या था, जिद्दू कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, अब्दुल कलाम आजाद, पट्टाधी सीतारामैया, जय कृष्णमूर्ति, जाबिर हुसैन। सही आंसर है जय कृष्णमूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। वे प्राय लिखते थे, वे उपन्यास करते, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। सही आंसर है डी, वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। ठीक है, क्या करते थे, संभाषण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर, जय कृष्णमूर्ति। आपने सही आंसर बताया, जय कृष्णमूर्ति इसके रचयिता है। जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जय कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। राधा कृष्णन में, राजेंद्र प्रसाद में, गांधी में, जय कृष्णमूर्ति में। तो लॉर्ड बेटर जो है जय कृष्णमूर्ति में एक विश्व शिक्षा के रूप को देखते हैं। जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत, शिक्षा। शिक्षा है जो अभी आप देख रहे हैं। और ये थे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप अपने मित्रों को ये वीडियो, अभी एग्जाम का समय है, वीडियो शेयर करना ना भूलिए ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी।